हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई अवर लोग, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। और टाइम हो गया है शाम के 6, हम 6 बजे घूमने निकले थे, लेकिन मैंने दोपहर भी एक क्लिप लिया था तो वो भी अभी मैं डालूँगी। लेकिन हम कब पहुँचे थे वो भी बता देती हूँ। हम रात के 1:30 बजे पहुँचे थे इधर बॉम्बे, और बाद में सो गए थे खा पी कर। और सुबह देखो ये ध्यान खेल रहे हैं, मम्मी हेलो बोल रहे हैं, देवस मेरा भतीजा, तो बस सब बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, देवस भी हेलो बोल रहा है, और ध्यान को तो बहुत ही मज़ा आया तो इसके साथ। और इधर है मेघू हेलो बोल रही है। और बाद में किचन में देखो गोपी को मिल लो, ये मेरी भाभी हेलो बोल रही है, और ये दीदी रोटी बेल रही है। तो बस दोपहर का लंच बन रहा है, तो लंच में आज बनाया है लौकी की सब्जी, लौकी और आलू की दोनों मिक्स में है, और ये है दाल और राइस के साथ में, और है आम का अचार। दीदी राइस बता रही है क्योंकि इधर थोड़ी किचन में संकड़ा से इसलिए बाहर रखे थे गैलरी में, और ये है आम का अचार, सांभारा है केबीज कैरेट का, और श्रीखंड भी है, श्रीखंड फ्रिज में है, होममेड बनाया है गोपी बता रही थी। तो बस लंच करेंगे और एंजॉय करेंगे। और ये देखो किचन है, 2 बेड का है इधर फ्लैट, और इधर पापा सो रहे हैं। तो बस हम फाइनली 6 बजे जा रहे थे फैक्ट्री पर, जहाँ आनंद जॉब करता है वहाँ देखने के लिए। तो सब निकले हैं और शेयर भी करते हैं बॉम्बे का, तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। तो बस हम जा रहे हैं फैक्ट्री पर, बच्चों भी एक्साइटमेंट है बाहर घूमने के लिए। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं, और इधर सब मजदूर छूटे हैं। तो गोपी उसको बता रही है कि ये मेरी दो ननन आई है, ये बड़ी है ये छोटी है, और बाद में घर आए थे तो घर पर वापस खेल रहे हैं नानी के साथ। और देखो तीनों ने सेम कपड़े पहने हैं, तीनों सेम लग रहे हैं, ब्लू कलर के टी शर्ट पहने हैं तीनों ने। बच्चे का एंजॉयमेंट हो रहा है नानी के साथ, दादी के साथ अच्छे से खेल रहे हैं। हेलो गाइस, तो शाम के 8:30 बज गए हैं, वो थोड़ी ऊपर है, और हमारे किचन में क्या बन रहा है बता देती हूँ। तो गाइस डिनर में बन रहा है बॉम्बे स्टाइल वड़ा पाव, गोपी बनाएंगी और हम खाएंगे, क्योंकि हम जब भी गोपी के साथ मिलते हैं तो वड़ा पाव खाते हैं, गोपी बहुत अच्छा वड़ा पाव। तो इधर गोपी और दीदी क्या बना रहे हैं बच्चों के लिए, भजी बन रही है। ओके, और गोपी ये छाड़ा का बड़ों के लिए वड़ा पाव बन रहा है, आ जाइए आप गर्मा गर्म खाने के लिए। ओके, पर हमारे लिए है वड़ा पाव महाराष्ट्र बॉम्बे स्टाइल वड़ा पाव गोपी स्टाइल हेलो गोपी स्टाइल क्यों चश्मा फोड़ी नहीं खा बोल फिंगर योर लिप
આપડે દાંત કાઢીએ ને એટલે બેસવું છે હજી અરે વાહ વાહ વેરી ગુડ હગી હગી કરો હગી 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 गाइस तो देखो दीदी इधर वड़ा पाँव के वड़े बना रही है। गोपी ने मसाला बना दिया था अच्छे से और चटनी भी बनाई है, ड्राई चटनी बनाई है, ग्रीन चटनी बनाई है और साथ में अनियन का सलाद भी किया है। तो बाद में बताएंगे कैसे बनाते हैं। तो बस इधर वड़े रेडी हो रहे हैं, देखो तब में पानी आ गया है। तो आ जाओ खाने के लिए सब। तो फाइनली गोपी बना रही है वड़ा पाँव। तो हम रोस्ट नहीं करते हैं, कोई रोस्ट करते हैं तो बस गोपी ऐसे बनाती है। पहले ग्रीन चटनी लगाया है, बाद में ये ड्राई चटनी। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है, इसके बिना तो वड़े पाँव का टेस्ट नहीं आता है। तो ये चटनी जरूर लगाते हैं और बाद में बीच में ये मुख देते हैं, सॉरी रख देते हैं वड़ा। तो देखो बन गया वड़ा पाँव। तो इधर आनंद सबको खिला रहा है वड़ा पाँव, सबको बना कर देते हैं। उसको भी बहुत ही शौक है कुकिंग का, सब कुछ आता है आनंद को। मेरे भाई को तो पहले पापा ने दिया है, हमारे पापा नीचे नहीं बैठ सकते हैं इसलिए वो चेयर पर बैठ कर ही खाना खाते हैं। तो वो भी बस सबको पिरस रही है, बच्चे इधर खेल रहे हैं। उसको तो पहले खाना हो गया था इसलिए तो बस अब एंजॉय करेंगे। और आइए सब खाने के लिए वड़ा पाँव बॉम्बे स्टाइल, हमारी गोपी की स्टाइल में बनाया है। तो आप लोगों को ये कैसे लगे कमेंट में बताना। तो देखो ये सब टूट पड़े हैं वड़ा पाँव खाने के लिए। तो आ जाइए सब। तो फ्रेंड बस देखो इधर मस्ती चल रही है मामा के साथ, दोनों को मज़ा आ गया है। तो पहले दोनों को डांटा था क्योंकि ध्यान ने मेघों का चश्मे तोड़ दिए थे। तो इधर गोपी बेडिंग हमारा तैयार कर रही है, देखो पण इस दोनों को आ गई है मस्ती। तो इधर हमारा बेडिंग भी रेडी हो रहा है, लेकिन किसी को सोना भी नहीं है, बस ऐसी मस्ती ही करनी है। तो बस दोनों बच्चों एंजॉय कर रहे हैं। अध्याना को तो बहुत ही अच्छा लगता है खेलना कूदना, ऐसे ही करती है शरारत। तो इधर ध्यान काटन आया है, उसको बनाया है हनुमान जी, देखो हनुमान बनाया है। और थोड़ा डरता भी है, ध्याना का किसी से डरती नहीं है, उसको जैसा भी करो लटकाओ घुमाओ जो भी करो वो डरती नहीं है। गाइस तो देखो इधर सब खा रहे हैं रबड़ी,
क्योंकि आनंद की फैक्ट्री के पास थे, अमूल की फैक्ट्री है, तो वहाँ से लाए थे रबड़ी, क्योंकि हम गुजरात तो कभी खाते नहीं हैं। इधर टेस्ट किया है तो आनंद ने टेस्ट करवाया है रबड़ी का, बहुत ही टेस्टी थी, बिल्कुल पेंडे जैसे लगते हैं और बस एंजॉय कर रहे हैं। तो वेकेशन में तो ऐसे होते हैं, समर वेकेशन में मामा के घर बच्चों को मज़ा आता है खाने पीने खेलने कूदने घूमने का, तो बस घूमने भी जाएंगे। लेकिन आज पहला दिन था तो थोड़ा रेस्ट किया और सोचा कि कल ही सब जाएंगे, तो बस फैक्ट्री की विज़िट की और बाद में आकर घर पर खाना खाया। तो बस ऐसा रहा हमारा दिन, बॉम्बे में पहला दिन। तो आपको कैसा लगा वो कमेंट में बताना, तो लोग भी एंड कर देते हैं फ्रेंड। तो हमारा इस वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, जय स्वामी नारायण, कल मिलेंगे।